मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता हेमंत विश्वा शर्मा ने भी कहा है कि एक विशेष धर्म उन राज्यों में खुले तौर पर हमारी सरकार के खिलाफ चला गया और उन्हीं राज्यों में उस धर्म में जबरदस्त अनुयायी हैं, तो इसका फर्क पड़ेगा। ये कोई राजनीतिक हार नहीं है, क्योंकि कोई भी धर्म से नहीं लड़ सकता। मैं आपको हेमंत विश्वा शर्मा को सुनवाना चाहता हूं, सुनिए वो भी क्या कुछ कह रहे हैं। बदलते डेमोग्राफी मेरे लिए, मैं असम से आया हूं, ये मेरे लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। किसलिए? मैं असम में, बंगाल में हर दिन, मेरा असम में मुस्लिम पॉपुलेशन 40% हो चुका है। 1951 में 12% था, आज असम में मुस्लिम पॉपुलेशन 40%। हम जिला की जिला खो चुका है, तो मेरे लिए ये मुद्दा पॉलिटिकल नहीं है, मेरे लिए ये जीना और मरने का मुद्दा है। इसलिए मैंने उसका साथ ही हर दिन संघर्ष करता हूं। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि बीजेपी अपनी हार के बाद राज्यों में मंथन कर रही है। दिल्ली में होने वाली बीजेपी की आगामी बैठक में कम हुई सीटों के साथ चार राज्यों की विधानसभा चुनाव को लेकर हर पहलू को चेक करने की कोशिश करेगी, फुल प्लान बनाने की कोशिश करेगी, रोडमैप बनाएगी कि रोडमैप किस तरीके से होगा ताकि ज्यादा से ज्यादा सीट सके और जो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जा सके। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस वक्त सियासी सरगर्मी बहुत तेज है। एक तरफ खराब प्रदर्शन की वजह से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी में विवाद गहराया हुआ है, ऐसा दावा किया जा रहा है। केशव प्रसाद मौर्य लगातार एक्टिव नजर आ रहे हैं। दिल्ली में केशव प्रसाद मौर्य की आलाकमान से मुलाकात करने के बाद जब वो लखनऊ लौटे, मुस्कुराते हुए एयरपोर्ट से निकले, उसके बाद अखिलेश यादव लगातार बीजेपी के भीतर जारी अनबनपन बयान दे रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, मजे ले रहे हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट शेयर की थी। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस पोस्ट ने भूचाल ला दिया। अखिलेश यादव ने बड़े अलग अंदाज में बीजेपी के नाराज नेताओं को मानसून में मानसून ऑफर दे दिया। अखिलेश यादव ने बिना किसी के नाम लिए कहा, सो लाओ सरकार। अखिलेश यादव की पोस्ट के बाद चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। इससे पहले भी उत्तर प्रदेश की राजनीति में अखिलेश यादव इस तरह का ऑफर दे चुके हैं। मैं राष्ट्र के आवास के जरिए आपको यह बताना चाहता हूं कि सरकार बनाने का सपना पूरा करना है तो 100 विधायक तोड़कर लाएंगे, समाजवादी पार्टी समर्थन कर देगी। इस बयान के जरिए अखिलेश यादव ने केशव प्रसाद मौर्य को खुला ऑफर दे दिया है। अखिलेश यादव का पोस्ट सत्ता का समीकरण बनाने में कोई ऑफर है या सिर्फ तंज है? 2024 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी 111 सीटें जीत सकी थी और अभी हाल फिलहाल में उन्होंने समाजवादी पार्टी के 105 सदस्य हैं। अगर उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने की बात करें तो 204 का आंकड़ा होता है। अखिलेश यादव ने शायद इसीलिए कहा कि अगर 100 सीटें और मिल जाएंगी तो बहुमत का आंकड़ा वो पा लेंगे, ऐसा कयास है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की कुल 403 सीटें हैं। लोकसभा में विधायकों की जीत के बाद 10 सीटें खाली हो गई थी और विधानसभा में कुल 393 सदस्य यानी बहुमत के लिए 197 विधायकों की जरूरत होती है। मैं आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताना चाहता हूं कि अखिलेश यादव को पोस्ट सियासी शगुफा है या फिर तंज है, इसके लिए उत्तर प्रदेश का सियासी गणित क्या है, राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको समझाना बताना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी, उनके पास 251 विधायक हैं, सीटें हैं, सरकार बना रखा है। अपना दल, उनके पास 13 विधायक हैं। राष्ट्रीय लोकदल के पास 8 विधायक हैं। सुभाषपा के पास 6 विधायक हैं, निषाद पार्टी के पास है। और जो विपक्ष है, विपक्ष में समाजवादी पार्टी है, उनके अपने 105 विधायक हैं, कांग्रेस के पास 2 हैं और दूसरी जो अन्य पार्टी है उनके पास भी 2 है और बहुजन समाज पार्टी एक खाता खोलने में कामयाब हो गई थी। यानी भारतीय जनता पार्टी के अंदर अगर टूट के हालात बनते हैं तो क्या सरकार बदल सकती है? इसे समझने के लिए जरूरी है आंकड़ों का खेल समझना। उपचुनाव से पहले आज के हालात में अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश विधानसभा में जो विधायकों की संख्या है, सदस्यों की संख्या है, वो 393 है। बहुमत के लिए 197 विधायकों की जरूरत पड़ती है। अकेले बीजेपी के पास 251 विधायक है। एनडीए के मिलाकर ये आंकड़ा 285 हो जाता है और बीजेपी को राष्ट्रीय लोकदल, अपना दल,
सुभाप्रसा और निषाद पार्टी के विधायकों को समर्थन है। समाजवादी पार्टी का नंबर गेम अगर देखा जाए तो अखिलेश की पार्टी में अभी 105 विधायक हैं, कांग्रेस के पास 2 विधायक हैं, यानी कुल मिलाकर 107 विधायक हैं। इंडिया ब्लॉक को बहुमत के लिए 90 विधायकों की जरूरत होगी, यानी आंकड़ों से समाजवादी पार्टी दूर है। इसके अलावा विधायकों के लिए दलबल भी संभव है, दल बदल भी संभव नहीं है, क्योंकि दल बदल कानून भी एक बड़ा पेच है। लेकिन राजनीति के जानकार ये कहते हैं कि अखिलेश यादव भी अच्छे से वाकिफ है कि 100 विधायक फिलहाल टूटना बहुत मुश्किल है। अखिलेश यादव इस तरह के बयान देकर माइंड गेम खेलने की कोशिश कर रहे हैं। अखिलेश यादव बेहतर तरीके से जानते हैं कि बीजेपी जैसी पार्टी में टूट होना बेहद मुश्किल काम है, लेकिन इस राजनीति में अखिलेश यादव भी मजे ले रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि भारतीय जनता पार्टी की दुखती नफ्स क्या है और अखिलेश यादव राजनीति के माहिर खिलाड़ी हो गए हैं। इसीलिए लगातार एक के बाद एक वो इस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं ताकि उनकी पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं में जोश हाई रहे और आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश की सियासत में क्या कुछ होता है वो आप सबके सामने